रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। अक्सर हम इस बात की चर्चा करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसी है, उत्तर प्रदेश की राजनीति या उत्तर प्रदेश में राजनीति, चाहे उत्तर से हो या पूरब से हो या पश्चिम से हो या दक्षिण से हो। इस बात पर चर्चा करने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कई लोगों के लिए या उत्तर प्रदेश कई लोगों के लिए राजनीति की प्रयोगशाला है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ दिनों पहले तक हम जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश में विपक्ष की मजबूती के चर्चे कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि इस बार सरकार को काफ़ी कुछ समस्या हो सकती है सरकार चलाने में, क्योंकि उनके सामने जो विपक्षी दल है वो काफ़ी मजबूत है। विपक्षी दल यानी विपक्ष का गठबंधन, समाजवादी पार्टी का गठबंधन, जो करीब 125 सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार के लिए समस्या खड़ी करते हुए नजर आ सकता था। था इसलिए क्योंकि अब ये समस्या उनके लिए खुद हो चुकी है, ये गठबंधन। लगातार पहले शिवपाल सिंह यादव, फिर आजम खान और अब फिर शिवपाल सिंह यादव। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों की बैठक में शिवपाल सिंह यादव को नहीं बुलाया, शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी दिखाई दी, एक बार फिर से चाचा भतीजा के बीच एक लंबी कश्मकश दिखाई दी और ये जो मनमुटाव की खाई है ये और गहरी होती गई, उसका खामियाजा अब ये हो चुका है कि अब दोनों तरफ से लगातार वार प्रहार किए जा रहे हैं। पहले शिवपाल सिंह यादव जो काफ़ी नाराज़ हुए, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, अटकलें लगने लगी कि उनका बीजेपी से कुछ मामला ठीक चल रहा है और वो बहुत जल्द समाजवादी पार्टी से अलग भी हो सकते हैं। हालांकि तारीख निर्धारित हुई थी 19 तारीख, ऐसा जो खबरें चल रही थी उसके अनुसार बताया जा रहा था कि 19 अप्रैल को शिवपाल सिंह यादव कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, लेकिन 19 अप्रैल बीत गई, शिवपाल सिंह यादव ने कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया। सवाल पूछने पर हमेशा इसी बात को कहा कि समय आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा जो भी कुछ होना है। उसके बाद अखिलेश यादव भी सामने आए, अखिलेश यादव से पूछा गया और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि जो भी बीजेपी के संपर्क में है वो समाजवादी पार्टी में नहीं हो सकता। और सबसे अहम चीज़ ये है कि इस बयान में किसी भी नेता का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन प्रतिक्रिया सबसे पहले शिवपाल सिंह यादव की ही आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर अखिलेश यादव को ऐसा लगता है तो वो विधानमंडल दल से मुझे बाहर कर सकते हैं, वो मुझे क्यों नहीं कर रहे हैं। और फिर उन्होंने इस बात को कहा कि समय आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। ये तो बात हो गई चाचा और भतीजे की लड़ाई की, लेकिन इन सबके बीच में एक तीसरा ट्रायंगल आ गया है और वो है आजम खान का। लगातार आजम खान और आजम खान का जो कुनबा है वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से काफी नाराज दिखाई दे रहा था और दे रहा है। पहले फजाहत हुसैन जो कि मीडिया प्रभारी हैं आजम खान के, उनकी तरफ से जो बयान आया कि आखिर आजम खान को तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों आजम खान को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया, क्यों आजम खान जब से जेल में है अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने नहीं आए, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही थी कि आजम खान को अखिलेश यादव जेल से नहीं निकलना देना चाहते हैं, ये बात सच है? कई सारे सवाल जो थे वो फजाहत हुसैन ने खड़े किए थे। और अहम बात यह है कि इन सवालों पर किसी भी प्रकार से कोई भी काउंटर आजम परिवार से नहीं आया था। तो यह बात साफ साबित हो गई कि कहीं ना कहीं आजम खान का जो परिवार है, आजम खान का जो कुनबा है, वो काफी नुकसान झेलने के बाद नाराज दिखाई दे रहा है और नुकसान भी राजनीति का नुकसान, नुकसान आजम खान के स्वास्थ्य का नुकसान, नुकसान आजम खान के लंबे समय से जेल में रहने का। और उसी चीज को देखते हुए जयंत चौधरी भी आजम खान से, उनके परिवार से मिलने के लिए गए थे, आजम परिवार से उनकी मुलाकात हुई थी। और आज शिवपाल सिंह यादव ने, कल जब उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया था उसके बाद ही उन्होंने कह दिया था कि मैं बहुत जल्दी आजम खान से मुलाकात करूंगा, आजम भाई से मुलाकात करूंगा, और आज उन्होंने सीतापुर जेल जाकर के आजम खान से मुलाकात कर ली। लेकिन सारे वाक्यों के बीच में और शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि शिवपाल सिंह यादव ने मुलायम सिंह के ऊपर यानी अपने बड़े भाई के ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर दिए।
आज तक ऐसा हुआ नहीं था। शिवपाल सिंह यादव अपने भतीजे से नाराज दिखाई दिए थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव से वो कभी भी नाराज नहीं दिखाई दिए थे। लेकिन आज जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने बयान दिए हैं, उसमें साफ तौर पर ये चीजें निकल कर सामने आई हैं कि शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव से भी काफी सवाल पूछ रहे हैं आजम खान को लेकर के। उन्होंने ये कहा है कि नेताजी चाहते तो आजम के मामले पर समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर सकती थी, नेताजी चाहते तो लोकसभा में सवाल पूछ सकते थे, नेताजी चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि पहले भतीजे से नाराजगी और अब बड़े भाई से भी नाराजगी? उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के बीच में आखिर ये क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े गठबंधन विपक्षी दल के बीच में ये क्या हो रहा है? लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवपाल सिंह यादव कुछ नया करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बहुत जल्द कुछ चीजें खुलकर आएंगी और वो सबको पता चल जाएंगी, समय आने दीजिए। तो वो समय का इंतजार जो सब कर रहे हैं, आखिर उस समय पर क्या होने वाला है? आखिर ये जो खाई है, ये पटने का नाम क्यों नहीं ले रही है? आखिर इस गठबंधन के बाकी दल इस खाई को पाटने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? और अब आगे की क्या रणनीति होगी शिवपाल सिंह यादव की और आजम खान की? फिलहाल आप शिवपाल जी का आज ये बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करूंगा, क्योंकि आज की चर्चा बहुत ही अहम है उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल के लिए है, उत्तर प्रदेश के उस परिवार के लिए है जिसने एक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है, और अब वो परिवार अलग हो रहा है जिससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख विपक्षी दल है वो टूटते हुए नजर आ रहा है। बयान सुनिए, फिर मैं डिबेट को शुरू करता हूँ। छोटे छोटे मुकदमे, झूठे मुकदमे, इतने झूठे मुकदमे, अब केवल एक मुकदमा बचा है, एक मुकदमा बचा है केवल। छह महीना हो गई, बहस हो गई, सब कुछ हो गई, बात आपकी हुई, आपके साथ जा रहे हैं, अब हम तो साथ हैं ही, आजम भाई के साथ हैं, आजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसा तो कोई सवाल है नहीं। अभी पहले जेल से बाहर आए जी, और फिर ये सब फैसले उचित समय जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा क्या फैसला लेंगे क्या नहीं लेंगे। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लगातार समय पर कुछ चीज़ों को टालते हुए नजर आ रहे हैं शिवपाल सिंह यादव, और लगातार आपसी जो सौहार्द है अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच का वो बिगड़ते जा रहा है। हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, अश्विनी शाही जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उसके अलावा डीपी यादव हमारे साथ प्रसपा से जुड़े हुए हैं, शौकत अली समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आरएलडी से हमारे साथ अंकुर सक्सेना जुड़े हुए हैं, और राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ अजय कुमार जी जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डीपी भाई, मैं आपके पास आना चाहूँगा। लगातार ये समस्या आप खड़ी होती जा रही है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख विपक्षी दल था वो टूट रहा है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, ऐसा जो अटकलें हैं वो लग रही हैं, और दूसरी चीज़ आज पहली बार ऐसा हुआ कि शिवपाल जी ने एक बड़ा बयान दिया और नेताजी को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि नेताजी चाहते तो लोकसभा में ये चीज़ें पूछ सकते थे। भाई, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 से पहले जो परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां अब बदल चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव अक्टूबर 2021 में सामाजिक परिवर्तन के लिए रथ यात्रा लेकर के निकले थे, तो कहीं ना कहीं जब वो रथ यात्रा उत्तर प्रदेश के कोने कोने में गई, उत्तर प्रदेश के लोगों का जब उसको अपार समर्थन मिला, जनसमूह उमड़ा, तो लोगों की एक ही मांग थी, जो लोग चाहते थे कि आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव और समाजवादी पार्टी एक मंच पर आए और दोनों साथ मिलकर के चुनाव लड़े, जिससे उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी गठबंधन की सरकार बने, जो शोषण विहीन समता मूलक समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने में उत्तर प्रदेश में कामयाब हो। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की जनभावनाओं का ध्यान रखा और अपने राजनीतिक जीवन का जो सबसे बड़ा त्याग है, जो बलिदान है, उन्होंने किया उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में। सब कुछ भुला करके उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और कहीं ना कहीं वो ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी गठबंधन की सरकार बने। अब जिस प्रकार से उनके अनुभवों को समाजवादी पार्टी द्वारा उपयोग करना चाहिए था, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इकलौते ऐसे नेता हैं जो चार दशकों का राजनीतिक अनुभव रखता है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थिति से चप्पे चप्पे से वाकिफ है। तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने सब कुछ त्याग करके
उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। अब चुनाव परिणाम सबके सामने आ चुका है। अगर उनके अनुभवों का सही तरह से उपयोग किया गया होता तो आज परिस्थितियां अलग होती, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी गठबंधन की सरकार बनती। मतलब टीपी भाई, माना जाए कि कुछ नया रास्ता तलाश लिया गया है आपकी तरफ से भी और शायद आजम खान साहब की तरफ से भी। देखिए, राजनीति में रिक्तता नहीं रहती है। राजनीति में कहीं ना कहीं आदमी रास्ता तलाशता है। राजनीति परिस्थिति और संभावनाओं का खेल है। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी की एक पार्टी है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। उस पार्टी के तहत तमाम संगठन बने हुए हैं। 75 जिले में हमारे जिला अध्यक्ष बने हुए हैं। अब ये अलग बात है कि चुनाव के बाद जब नतीजे आए तो उसको दृष्टिगत रखते हुए समीक्षा हुई, सबको भंग कर दिया गया। अब नए सिरे से संगठन की तैयारी होगी, नए सिरे से सब बनाए जाएंगे, सबकी जिम्मेदारी दी जाएगी और कहीं ना कहीं जो आगामी चुनौतियां होंगी, चुनाव चाहे 2024 के लोकसभा का होगा, उसके बाद से चुनाव 2027 में भी होने हैं, अभी से तैयारी करके आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में सभी लोग कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करेंगे और एक बेहतर विकल्प देने की कोशिश करेंगे जिसमें सभी समाजवादी जितने भी साथी होंगे एक साथ मंच पर आएंगे। आप देखिए किस प्रकार से, जब मैं आपकी बात पर आऊं, आजम खान साहब वाली बात पर, आपने कहा 2 साल से वो लगभग जेल में बंद हैं। अब 2 साल में अगर उनके लिए सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष किया गया होता तो निश्चित रूप से वो आज जेल से बाहर होते। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। शौकत अली हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। शौकत भाई, डीपी भाई की बात से तो ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ अलग धलग हो चुका है, कुछ भी कर लीजिए कुछ नहीं बचने वाला, अलग हो जाएंगे शिवपाल जी, ऐसा कंफर्म लगभग वो कर रहे हैं। नितिन जी, आज एक चर्चा बड़ी हो रही है कि आजम साहब को लेकर बड़े बयान दिए जा रहे हैं। हम लोग भी काफी दिन से इस चीज को मीडिया में देखने का काम कर रहे हैं। शायद आपको जानकारी ना हो नितिन भाई, मैं उसको दोबारा अवगत करा देना चाहता हूँ। आजम साहब के परिवार ने स्वयं कहा था इस बात को कि समाजवादी पार्टी हमारे परिवार के साथ खड़ी है। ठीक है, आजम साहब की पत्नी ने साफ तौर पर बयान देकर मीडिया के माध्यम आकर कहा था ये बात कि पूरी समाजवादी हमारे साथ खड़ी है। फिर इस तरह के सवाल लाजमी नहीं होते कि आज समाजवादी, इस तरह के सवाल तो आपके ही नेता खड़ा कर रहे हैं ना। कोई ऐसा नेता, मुझे एक बयान बता दीजिए आजम के परिवार का, नेता है, सुन तो लीजिए, आजम साहब के परिवार का एक वो बयान बता दीजिए जिसमें कहा गया हो कि आजम साहब का परिवार के साथ समाजवादी पार्टी ना खड़ी हो। एक स्टेटमेंट बता दीजिए, पूरी समाजवादी पार्टी आजम साहब के साथ खड़ी। हाँ, कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऊंची हरकतें कर रहे हैं, मीडिया में आके बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। उनसे पूछिए कि आजम साहब के परिवार के बारे में कितना जानते हैं, क्या आजम साहब के परिवार ने उनसे कहा है कि आप इस तरह के स्टेटमेंट दीजिए? क्यों बोल रहे हैं वो लोग? क्योंकि उनको सस्ती राजनीति करनी है, अपने चेहरे को मीडिया के बीच लाना है। वो ऊंची राजनीति कर रहे हैं, उनका नाम लेके क्या फायदा? नाम ले लीजिए आप। मैंने कहा उनका नाम लेके क्या फायदा? अरे एक बार ले लीजिए, पता तो चले कि शाही साहब की पार्टी से है कि किसी और पार्टी से। मैं किसी की पार्टी का नाम ही नहीं ले रहा हूं। मैंने कहा कुछ लोग अपनी ऊंची राजनीति करने के लिए कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। चंद सिक्कों के लिए हो सकता है वो बोल रहे हूँ, मीडिया में बने रहने के लिए हो सकता है वो बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी आजम साहब के साथ है और आजम साहब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अगर कुछ भी ऊंच नीच होता तो मुझे लगता है नितिन जी, मुझे कहने की आवश्यकता न पड़ती, आजम साहब का परिवार मीडिया के माध्यम से आकर बताता कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ नहीं खड़ी है। अच्छा, जो बयान फजाहत हुसैन का आया था उस पर भी तो आजम खान साहब के परिवार से किसी ने भी काउंटर नहीं किया कि ये फजाहत हुसैन का अपना बयान है। इस तरह के बयानों को काउंटर इसलिए नहीं किया जाता कई बार कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उन्हें अस्तित्व में लाने के लिए हम क्यों उनको नेता बनाने का काम करें? इस तरह के अगर बयानों को हम तवज्जो देने लगे तो हर उस गली के नेता को हमें तवज्जो देनी पड़ेगी जो कभी कभी सोशल मीडिया पे लिख देता है। भाई की बात से तो लग रहा है कि अब सब कुछ अलग हो गया, रास्ता अलग हो गया है बिल्कुल से। देखिए कोई, नितिन भाई, कोई रास्ता अलग नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है और अपनी विचारधारा पे काम कर रहे हैं। शिवपाल जी को मनाएंगे? देखिए वो नेतृत्व का जो फैसला होगा उसको हम लोग स्वीकार करने का काम करेंगे। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे, हो सकता हो संभवतः इसमें कोई बात हो, क्योंकि अब माननीय शिवपाल जी ने बयान दिया है तो उस पर कुछ ना कुछ प्रक्रिया नजर आएगी अभी या कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ये सच्चाई है नितिन जी कि आजम साहब का परिवार समाजवादी पार्टी से अलग नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग अलूल जलूल बयान दे रहे हैं, उनके बयानों को हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे। कौन लोग हैं? आप नाम क्लियर नहीं कर रहे हैं। कहा ना कि तमाम लोग अपनी सस्ती राजनीति चमकाने के लिए तमाम तरह के बयान दे रहे हैं। अगर उनका कोई अस्तित्व होता तो मुझे लगता आजम साहब के परिवार की भी प्रतिक्रिया आ जाती कि हाँ इसमें कितनी सत्यता है कितनी सत्यता नहीं है। आजम साहब के परिवार की चुप्पी ये बता रही कि उनका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ अपने चेहरे को चमकाने के लिए तरह तरह के बयान दे रहे हैं।
ठीक है। अंकुर सक्सेना हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हुए हैं, गठबंधन के ये भी साथी हैं। अंकुर भाई, आप लोगों की तरफ से कोई भी कोशिश नहीं की जा रही कि अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो फिर से प्रयास किया जाए, शिवपाल जी को मनाया जाए या अखिलेश जी को समझाया जाए? आप हालांकि जयंत चौधरी गए थे आजम खान के परिवार से, उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन आज जिस तरह से जो बयान आए हैं शिवपाल यादव के, उससे साफ साबित हो रहा है, और अभी डीपी यादव भी कह रहे थे इस बात को कि अब लगभग सब कुछ क्लियर हो चुका है, रास्ते अलग होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। तो आप लोग कोई प्रयास क्यों नहीं कर रहे भाई? गठबंधन के साथी हैं, साथ में चुनाव लड़े हैं। देखिए नितिन जी, बहुत स्पष्ट बात है कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय चौधरी, जयंत सिंह जी, आजम खान साहब से उनकी परिवार से जो मुलाकात हुई है वो न्यायिक व्यक्तिगत मुलाकात है और पॉलिटिकल मुलाकात से भिन्न मुलाकात है, क्योंकि अभी आप देखिए कि विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में, तो दोनों के बीच में लगभग 2 साल का गैप है, तो इसको आप पॉलिटिकल मुलाकात नहीं कह सकते, इसको शीर्ष नेतृत्व की पर्सनल या व्यक्तिगत मुलाकात आप कह सकते हैं, जो सुख दुख में करना एक नैतिकता और मानवता दोनों दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है। जहां तक प्रश्न है माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का, इस बात में कोई शक और दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, आजम खान साहब भी समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, और माननीय लोहिया जी की विचारधारा को लागू करने में और उसको आगे बढ़ाने में दोनों ने अथक प्रयास किया, और प्रयास हम लोगों ने देखे भी, और उसी प्रयास के बलबूते समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगभग 4 बार इस सरकार बनाने में और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की सत्ता से दूर रखने में कामयाब है। अब प्रश्न उठता है कि माननीय शिवपाल महोदय जी की नाराजगी का, उस विषय में पीएसपीएल के प्रवक्ता भी बैठे हैं, उस विषय में समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे हैं, वो ज्यादा स्थिति स्पष्ट कर सकेंगे करेंगे कुछ भी करेंगे। नितिन जी, डीपी जी ने जो भी बात कही है तो उनने अपनी पार्टी की जब स्टैंड करता, क्योंकि अभी देखिए गठबंधन इलेक्शन के तुरंत बाद विपरीत परिस्थितियां हुई, अगर 2022 के चुनाव में 10 मार्च को समाजवादी पार्टी एंड अलायंस सरकार बना लेता तो क्या उस समय जिस स्थिति में लोग आज की डेट में समाजवादी पार्टी एंड अलायंस का और राष्ट्रीय लोकदल एंड अलायंस का साथ छोड़ने हैं, क्या वो लोग हम लोगों का साथ छोड़ के? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि सत्ता नहीं आई इस वजह से शिवपाल यादव नाराज है? नितिन जी, लेट मी कंक्लूड, मुझे अपनी बात पूरी कर लेनी है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिये 10 मार्च के बाद परिस्थितियां भिन्न हुई, भिन्न परिस्थितियों में, क्योंकि अभी 5 साल हम लोग सत्ता से दूर हैं, तो दो तरीके का नेतृत्व होता है, एक नेतृत्व वो होता है जो संघर्ष का साथी होता है और संघर्ष का आदि होता है, और एक तरीके की पॉलिटिक्स वो होती है जिसमें आप सत्ता के साथ में रहना चाहते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय शिवपाल सिंह यादव और माननीय आजम खान साहब पहली प्रकृति के लोग हैं जो संघर्ष के साथी, हमको ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है आज की भी डेट तक कि वो संघर्ष में साथ छोड़ के किसी ऐसी राजनीतिक दल के साथ मिलाएंगे जिसका उन्होंने प्रखर विरोध किया है और जिसके विरोध में उत्तर प्रदेश में वो चार बार सरकार बनाने में कामयाब रहे। तो और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का जो भी बयान है या माननीय आजम खान साहब ने, तो अभी कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया है, उनके परिवार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ये सारे घटनाक्रम जो है 10 मार्च के बाद जनरेट किए गए ताकि हमारे यहाँ के जो एक धर्म विशेष के हमारे पार्टी के जो समर्थक है, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, वो लोग समाज में बड़ा अपने को अकेलापन महसूस करें और कहीं ना कहीं पार्टी को जो दो दलों का और दो गठबंधनों का ध्रुवीकरण चल रहा है, क्योंकि आज की डेट में देखिए उत्तर प्रदेश में केवल 2 दलों की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी एंड अलायंस एंड समाजवादी पार्टी एंड अलायंस, उत्तर प्रदेश की नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा, इन 2 ध्रुवों के बीच की राजनीति चल रही थी, क्योंकि एक तरफ सपा का गठबंधन बड़ी मजबूती से इलेक्शन लड़ा था और सपा एंड अलायंस ने, आप देखिए उत्तर प्रदेश में 77 सीटों पे जो लगभग पांच लाख वोटों का जो हेर फेर हुआ, जो हम लोगों को 5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीती, मैं बजान, तो कहीं ना कहीं उसी ध्रुवीकरण को 2024 में ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी एंड अलायंस के लोग जो है वो कहीं ना कहीं समाज में ये बात फैला रहे हैं कि हमारे जो गठबंधन है उसमें ठीक है, अंकुर की आशंका और हमारे गठबंधन के जो केंद्रीय नेता है वो अलग अलग रहा। ठीक, मैं आता हूँ। अश्विनी शाही जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। शाही साहब, किसका एप्लीकेशन आया है आप ही बता दीजिए, क्योंकि लग तो रहा है कि बहुत कुछ ठीक नहीं है उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल में। नितिन भाई, अभी किसी का एप्लीकेशन तो नहीं आया है, और ये अंदरूनी मामला है समाजवादी पार्टी का, इसमें हम लोगों को कुछ बहुत ज्यादा बोलने की
हम लोग स्थिति में नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए, मगर बाहर आ चुका है ये, प्रेस में मामला आ चुका है। और अभी देखिए शौकत भाई ने और अंकुर जी ने किस तरीके से जो है उसकी व्याख्या की। शौकत भाई बार बार कह रहे हैं कि बड़े छोटे लोग हैं, ओछे लोग हैं राजनीति चमकाने के लिए। हाँ, नाम तो नहीं बता रहे हैं इसमें छोटा ओछा, हाँ छोटा ओछा की बात नहीं है। शौकत भाई आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, आप जो यहाँ बोलेंगे उसको समाजवादी पार्टी की बात मानी जाए। उनके मीडिया प्रभारी हैं और उन्होंने इस बात को बोला है कि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए, हमारे कपड़े से उनको बू आती। इसका खंडन आजम जी के बेटे बाहर हैं उन्होंने नहीं किया, उनकी पत्नी है बाहर उन्होंने नहीं किया, कोई खंडन नहीं आया। इसका मतलब मौन है तो स्वीकृति है। अब अपनी मीडिया प्रभारी की बातों का कोई ये कहे कि उनको तुल नहीं दे रहे हैं चाहे ये कर रहे हैं, ये कहना बेमानी है शौकत भाई। इससे कोई भी आपके इस आंख बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाएगा या शुतुरमुर्ग की तरह चोंच अपना नीचे कर लेने से बुगालता खत्म नहीं होता। तो इस चीज में और आज देखिए शिवपाल जी जो निसंदेह, मैं किसी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, एक कुशल संगठन करता है और उन्होंने बड़े जो दुख का इजहार किया, ये दुख आप पीछे जाइए 100 सीटों पर प्रत्याशी तय कर लेना। अभी डीपी भाई ने बताया कि 75 जिले में हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने इतना तेज संगठन अपना बनाया, उसके बाद उनको एक सीट देना, क्या ओम प्रकाश राजभर से छोटे नेता हैं वो, क्या वो केशव दत्त मौर्य से छोटे नेता हैं वो, किस तरीके से उनको बेइज्जत करने का काम किया गया, जबकि शिवपाल जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए दो बयान दिए कि अगर उधर से कुछ भी आता है तो मैं अपने दल का विलय करने के लिए तैयार हूं या साथ में मिलकर लड़ने के लिए भी तैयार। ये बड़ा दिल था, क्योंकि अखिलेश जी के पास दो चीजें हैं, वो मद और मोह की राजनीति करते हैं, अपने घमंड में चूर, मुख्यमंत्री की कुर्सी से 17 के बाद अभी तक उतरे नहीं है वो, उन्होंने कहीं कोई ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया उस पर। दूसरी बात कि वो एक डरे हुए राजनेता हैं, अगर हम अपने किसी दूसरे को बढ़ावा देते हैं तो हमारी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, और इस बीच में उन्हीं के परिवार में लोग हैं जो इसको दूरी को और बढ़ाना ही चाहते हैं, बढ़ने देना चाहते हैं। ये सर्वविदित है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया देख रही है, आप लोग प्रेस वाले हैं ज्यादा जानते हैं। इसलिए मुझे ये कहना है कि जो भी होने वाला है आगे के दिनों में अब स्पष्ट लग रहा है, और मैं अंकित भाई से खासकर अंकुर जी से कहना चाहता हूं कि आपके नेता भी वहां नहीं है जहां उनको होना चाहिए। ये अच्छा, कला भी कुछ चल रहा है क्या? अखिलेश जी में नहीं है कि विरोध में रहते हुए अपने दलों को अपने सहयोगियों को साध कर अपने साथ रखें, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है कि विरोध में रख के अपने साथियों के साथ रखकर उनका सम्मान बढ़ाते हुए हम उनको साथ लेकर चलते हैं, सत्ता में तो अलग ही बात है। तो बहुत ही विडंबना होगी, बहुत ही चीजें ऐसी आएंगी आगे कि आप देखिएगा, चाहे जितने लोग हैं आज अपने अपने जो स्वार्थ में जुड़े हुए हैं वो हटेंगे, शौकत भाई की पार्टी का वही हश्र होने वाला है जो बहन मायावती की पार्टी का हुआ है यहाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजय कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, ये सब जो राजनीतिक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहा है, लगातार जिस पार्टी के लिए कहा जा रहा था कि इस बार ये काफ़ी मजबूती से आई है और काफ़ी टक्कर सत्ता को देने वाली है, लेकिन लगातार आए दिन कुछ ऐसा हो रहा है कि ये विपक्षी दल टूटते ही जा रहा है, टूटते ही जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? नितिन जी, दो बातें हैं इसमें। एक तो आपने काफ़ी कुछ कंक्लूड कर दिया है, लेकिन मैं चलूँगा सुनी भाई की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए। अगर आप देखेंगे तो भाजपा का जो रोड मैप तैयार है वो आगे 25 साल का तैयार है, और बाकी जो ये लोग कूद रहे हैं आगे पीछे इधर उधर जहां वहां, इनका बहुत छोटा छोटा टारगेट है, इनका टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, ये क्षणिक लाभ के लिए दौड़ रहे हैं इधर उधर कि कैसे भी कुछ मिल जाए। और सुनी भाई की बयान को भी देखिएगा तो सपा पे ही ज्यादा हमलावर हैं, इनको भी सपा ही तोड़नी है। वो शिवपाल जी को बड़ा अच्छा बता रहे हैं, वो अच्छा बताएंगे। उसके पीछे एक कहानी है, कहानी ये है कि अश्विनी भाई राम राज की परिकल्पना लेकर चल रहे हैं, ये राम राज स्थापित करना चाहते हैं पूरे देश में, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में राम राज स्थापित करना चाहते हैं।
और राम राज स्थापित करने के लिए जो इनके पूर्ववर्ती सरकारों को जिनको ये रावण राज समझते हैं वहां से विभीषण लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। अब ये बात ये और है कि उस समय के विभीषण में इस समय के विभीषण में अंतर है। उस समय के विभीषण ने साथ दिया था कि हमें सत्ता का मोह नहीं है, हमें इस अहंकार को रावण के तोड़ना है, यहाँ की जो लोगों की समस्या है उसको खत्म करना है, कोई लाभ में नहीं किया था। आज के लोग क्या कर रहे हैं, वो लाभ देख रहे हैं पहले कि पहले हमारा सौदा तय हो जाए तब मैं भारतीय जनता पार्टी का साथ दूं। अच्छा, ये सौदेबाजी कहीं ना कहीं शिवपाल जी की बन नहीं पा रही है। अच्छा, हाँ, ये सौदेबाजी बन नहीं पा रही है, इसको समझना पड़ेगा डीपी भाई, सुनिएगा। और ये सौदेबाजी जिस दिन बन गई होती तो शायद ये प्रसपा 4 साल की पार्टी, 4 साल बनाए हो गया, आजम खान साहब के लिए कितना संघर्ष किया इन्होंने सड़क पर बताने की स्थिति में नहीं होंगे। ये जब सौदा नहीं तय होता है इनका भारतीय जनता पार्टी से तो ये फिर दबाव करने लगते हैं कि अश्विनी भाई हमारी बात सुने और भाई कुछ बड़ा चीज दिखाओ हमको, जरा हम भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि तोड़ेंगे नहीं अखिलेश यादव को, तोड़ेंगे, लेकिन हमें भी कुछ बड़ा चाहिए। अगर वो बड़ा दिल करके तो उस समय के विभीषण जैसा कि भाई ठीक है हमारा काम है, आप जो मन में आएगा वो दे दीजिएगा इनाम हमें, लेकिन हमें फिलहाल ये रावण राज खत्म कराना है। तो अब आप ये समझिएगा कि अगर अखिलेश जी परेशान है और तो किससे परेशान है, घर के लोगों से ही तो परेशान है, कहीं बाहरी से कोई परेशानी नहीं उनको। आजम खान के बयान, आजम खान साहब के बयान से भी नहीं परेशान है वो, परेशान अपने घर के लोगों से हैं। अब घर के लोगों को भाई हमारा शब्द हो सकता बुरा लगे किसी को कि भाई हमको विभीषण करें, ऐसा नहीं है, बहुत सी पार्टियों में बहुत से विभीषण है, ऐसा मत अन्यथा मत लीजिएगा डीपी यादव जी, नहीं तो कहिए कि अब कल से हमारे ऊपर भी कोई मुकदमेबाजी शुरू हो जाए कि हमको विभीषण कह दिया उन्होंने। बहुत सी पार्टियों में है, सब पर निगाह भारतीय जनता पार्टी की है, वो तमाम पार्टियों के विभीषणों को ढूंढ ढूंढ के सबको खत्म कर देना चाहते हैं, विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं। दूसरी एक और बड़ी बात है, जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, शिवपाल जी का जो 4 साल का कैरियर है प्रसपा के अध्यक्ष के तौर पे, आजकल उन्होंने बयान दिया, एक राष्ट्रीय मतलब नेता कह सकते हैं उनको, अगर पार्टी बना करके अगर किसी पार्टी के दल के अध्यक्ष हैं, एक दूसरे दल के अध्यक्ष से कह रहे हैं कि हमको निष्कासित कर दीजिए, हमको हटा दीजिए, हमको निलंबित कर दीजिए। अब आप सोचिए कि बयान कितना बड़ा है कि एक दल का नेता दूसरे दल के नेता से कह रहा है, बहुत समझने वाली बात है ये कि एक दल का नेता दूसरे दल के नेता से कह रहा है हमको हटाइए, निकालिए, बाहर करिए। ठीक है, उनकी मजबूरी क्या है कि आज भी अगर शिवपाल सिंह यादव की पहचान है तो पहले मुलायम सिंह यादव की वजह से पहचान है, लेकिन आज उनके भाई के तौर पे पहचान से भी काफी नाराज दिखाई, वही मैं उसी पे मैं आ रहा हूँ, उस पहचान को तोड़ना चाहते हैं। आज भी वो कहीं जाते हैं तो यही माने जाते हैं कि नेताजी के भाई हैं, नेताजी के भाई हैं, नेताजी के भाई हैं। अभी वो प्रसपा 4 साल बनाने के बावजूद भी सपा का ही संगठन चला रहे हैं, सपा के लोगों को ही तोड़कर चला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सपा के लोग जो सपा से नाराज थे उनको ही अपने साथ शामिल करके अपनी पार्टी चला रहे हैं। ठीक है, अभी तक लड़ाई कोई उन्होंने सड़क पे लड़ी आजम खान साहब के लिए और ना ही उन्होंने कोई प्रयास किया कि वो भी जेल से बाहर आ जाए। आज बयान वीर तो कोई भी हो सकता है कि अरे साहब मुलायम सिंह यादव साहब को करना चाहिए था, अरे मुलायम सिंह यादव इस उम्र बेचारे क्या क्या करके दिए हैं आपको वो सोचिए, क्या क्या बना के दिए हैं, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। अब वो तो उनको भी अपना भविष्य देखना है, अपने पुत्र का भविष्य देखना है कि कहाँ कैसे ले जाए प्रसपा को। तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं ये बता रहा हूँ कि सबके पीछे जो भूमिका चल रही है वो अश्विनी भाई की पार्टी की भूमिका है, जिनका रोड मैप आगे 25 साल तक का तैयार है। ठीक ठीक है डीपी यादव, डीपी भाई दो चीजें निकल के आई, शौकत अली ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो अपनी ओछी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, और अजय कुमार जी जो राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में वो ये कह रहे हैं कि कुछ डील नहीं बन पा रही है इसी वजह से, शाही साहब कह रहे हैं कि धीरे धीरे सब टूटेंगे, क्या मामला है? अपनी बात रख रहे हैं, अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। मैं आपको बता दूं जो 2022 का चुनाव हुआ है नितिन भाई, अगर कोई विपक्ष की तरफ से सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके आने वाला है तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं, लगभग 90,000 से ऊपर वोटों से जीत करके आए हैं। तो भैया साइकिल पे चुनाव चिन्ह क्या था? नहीं, चुनाव चिन्ह पे भी जाइए, साइकिल चुनाव चिन्ह पे पूरी बात सुन लीजिए ना, ये इसको भी ध्यान रखिए ना, बहुत ज्यादा वोट का अंतर जो बता रहे हैं आप, अगर वो किसी चुनाव चिन्ह पर जीते तो साइकिल चुनाव चिन्ह पर तो बहुत लोग जीते। चार साल की पार्टी है भैया, 4 साल की, 4 साल का आपका संगठन है, पार्टी है ना, बहुत लोग जीते। नहीं, आपने बताया बड़ा अंतर रहा, वो भी कृपा मानिए, समाजवादी पार्टी की ही कृपा मानिए, उसको भी साइकिल चुनाव चिन्ह पर तो बहुत लोग जीते, क्यों नहीं वो रिकॉर्ड बना पाए? तो सारे लोग तो भाई बंधु नहीं ना है,
क्यों नहीं वो रिकॉर्ड बनाए? तो सारे लोग परिवार के सदस्य नहीं ना है? यादव जी की अपनी व्यक्तिगत पहचान जो है जो उत्तर प्रदेश के राजनीति में उनके हथियार था उनके इस गिर्द कोई नेता नहीं आज की तारीख में। और मैं कहां इनकार कर रहा हूँ, आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई नहीं है, हाँ, उनके लक्ष्मण नहीं है, हमेशा उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है, उनका सम्मान करते हैं वो। बात इसकी नहीं है, आज बात इस कि आप किस प्रकार से उनका सम्मान उनका सम्मान करते करते पार्टी बनाया कि नहीं बनाया उन्होंने? डीपी यादव जी, डीपी यादव जी, कोई आधार नहीं होता है कि फलाने की पार्टी से बात हो रही है, ढेकाने की पार्टी से बात हो रही है, कोई उसका आधार नहीं होता है। केवल यहाँ किसी चैनल पर बैठ करके ये कहना कि इनकी इससे डीलिंग नहीं हो पाई, तो उनकी इससे डीलिंग नहीं हो पाई, किसी के पास कोई प्रमाण होता नहीं है, केवल यहाँ पर लंबी भाई जो दिखता वही बोला जाएगा ना जी। ये क्या कह रहे हैं? जो दिखता है वही बोला जाता है, जो दिखाई देता है नहीं, दिखाई तो बहुत कुछ देता है, दिखाई बहुत कुछ देता है, लेकिन लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ ठीक बात, यही बात है, स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए आजम खान साहब के पास जाना कोई ऐसे महत्व संजोग नहीं है, आदरणीय शिवपाल नहीं, आप ईद में गए होते मिलने तब कोई कुछ नहीं कहता, चार दिन दस दिन और रुक गए होते, दस दिन बाद ईद थी, ईद में जाते गले मिलते, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं सवाल उठाता, दस दिन बाद ईद है, ईद के दिन जाते गले मिलते, कोई सवाल नहीं उठाता, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। संसदीय कार्य मंत्री रहे, वो विकास मंत्री। अरे भैया डीपी जी, जेल में बंद है तो निश्चित रूप से बहुत दुखद। डीपी जी दस दिन बाद जाते ईद के मौके पे मिलने और मिठाइयां सेवई लेके जाते, गला मिलते तो कोई कुछ नहीं कहता, सब कहते भाईचारा बढ़ाने आए हैं, लेकिन ये तो रमजान के महीने में रोजे के दौरान मिठाई लेके जाने क्या मतलब, जो खाएंगे ही नहीं, वो तो शाम को 7 बजे खोलते रोजा, दोपहर में मिठाई लेके पहुंच गए। इसके पहले भी जा चुके हैं, 4 महीना पहले भी गए थे आदरणीय शिवपाल सिंह। हम आज की बात कर रहे हैं, समय की बात नहीं, आज चर्चा आज पर हो रही है। और वो देखिए दोनों नेता लगभग 3 दशक का उनका राजनीतिक संबंध है, और वो भी नेता प्रतिपक्ष रहे, आजम खान साहब भी नेता प्रतिपक्ष रहे, आदरणीय शिवपाल सिंह भी नेता प्रतिपक्ष रहे, और नेता प्रतिपक्ष रहते हुए 2009 से 2012 तक जिस तरह से उन्होंने माहौल बनाया था उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार के खिलाफ, देखिए किस प्रकार से माहौल बना, और कहीं ना कहीं 2012 में फिर समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। तो इन सारी वही चीज इस बार भी सब देखना चाह रहे थे उत्तर प्रदेश की जनता, जिन्होंने आपको वोट दिया वो इस बार भी वही चीज देखना चाह रहे थे, लेकिन फिलहाल शायद वो चीजें नहीं हो पा रही। जी नितिन जी बिल्कुल, तो वही तो मैं बताया आपसे कि जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव से पहले 2022 में परिस्थितियां ऐसी थी, उत्तर प्रदेश की जनता की मांग थी, उसकी इच्छाओं का ध्यान रखते हुए आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। अब समाजवादी पार्टी में अंतर कला रहा, क्या रहा, कैसे रहा, अब उसकी समीक्षा समाजवादी पार्टी को करना चाहिए। जनता तो सरकार बदलना चाहती थी, लेकिन क्या परिस्थितियां रही, क्यों समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, उत्तर प्रदेश में समाजवादी गठबंधन क्यों नहीं सफल हो पाया। अब जितने नेता गठबंधन के थे सब बयानवीर थे, अपने अपने ढपली, अपना अपना राग, किसी के ऊपर कोई बयान पर कोई नियंत्रण नहीं था, कोई किसी का मसीहा बन रहा है, कोई पिछड़ों को लेकर चल रहा है, कोई दलित को लेकर के चल रहा है, आप देखिए किस प्रकार से बयानबाजी होती थी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता जो मन बनाई थी वो इन बयान बहादुरों के कारण अंतिम समय में अपना निर्णय बदल दी। ठीक है डीपी भाई, शौकत भाई सुनिए आपने डीपी यादव की बात, कोई जवाब? देखिए डीबी भाई अपनी बात रख रहे हैं, अपने दल की बात रख रहे हैं, नहीं वो आपके दल के लिए भी बोल रहे हैं ना कि आपके यहाँ कई सारे नेता थे, बयानवीर थे, सब सबको लेके चल रहे थे, लेकिन साथ कोई नहीं था। मैं सब की बात कर रहा हूँ, बड़ी चर्चाएं हुई हैं इस पे, कई लोगों ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष शिवपाल जी को बना देना चाहिए था, कई लोगों ने कहा आजम साहब को बना दिया देना चाहिए था, अगर आजम साहब को बना देते तो तमाम मीडिया में प्रतिक्रियाएं चलती कि मुसलमानों को फिर से तवज्जो दे रही समाजवादी पार्टी, शिवपाल जी को बना देते तो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे, दोनों अपनी अपनी चर्चाएं करते हैं इसमें। आज जब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने हाथ में वो फैसला रखा कि हम विपक्ष के रूप में बैठेंगे सदन में, हम उठाएंगे जनता की आवाज, तो क्या गलत किया जरा बताइए। शाही साहब ये कह रहे हैं, शाही साहब कह रहे थे कि अखिलेश जी अपने सामने किसी नेता को खड़े नहीं होना देना चाहते, ये शाही साहब के अपने विचार हो सकते हैं, किसको नहीं खड़ा किया। अभी शाही साहब ने कहा कि मुसलमानों से बू आती किसी नेता ने इनको बयान दिए, मैं कौन हूं, मेरी भी जाति पूछ लीजिए, मैं भी मुसलमान हूं, अगर मुझे बू आ रही होती उनको तो शायद शौकत अली आज यहां ना होते आपके सामने, कोई और होता, किसी और का नाम होता, अगर बू आ रही होती तो तमाम बार मैं आपके साथ चर्चा में रहा, कैसे रहा, इसी रहा कि हमें भी उन्होंने पहचाना है,
हम लोगों को भी मौका दिया, किसी से उनको वो नहीं आते, किसी जाति धर्म का हो। ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है, बखूबी करती है। ये जाति देखना, धर्म देखना, किसके पास बू आ रही, किसके पास खुशबू आ रही, काम भारतीय जनता पार्टी करे, ये हमारा काम नहीं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता की आवाज बन के सदन में बोलना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह हम पे भरोसा किया है, वो भरोसा कहीं ना टूटे, उसमें कोई कसर ना छूट जाए। वो आवाज बनके सदन में बोलना चाहते हैं। इसमें क्या गलत किया? अब हर व्यक्ति चाहता है कि हमें नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए, कोई कहता है हमें कुछ बना दिया जाए, किस किस को बना दिया जाए, जबकि हम जानते हैं कि एक दौर में आपको एक चीज मिल चुकी है, आपने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, किसी दूसरे को भी तो मौका देना चाहिए। क्या नेता प्रतिपक्ष शिवपाल जी नहीं रहे, क्या आजम खान साहब नहीं रहे, किसी और को भी मौका मिलना चाहिए सदन में आवाज उठाने का। और उत्तर प्रदेश की जनता जब भरोसा कर रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे, चर्चा नेता प्रतिपक्ष को लेकर नहीं है शौकत भाई, चर्चा है तमाम चीजों को लेकर, चर्चा तो उन चीजों को लेकर के कि आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं हुई। मैंने कहा आजम साहब के परिवार को लेकर कुछ लोग बार बार एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आजम साहब के साथ नहीं खड़ी है। मैं पूछता हूँ कैसे आपको संदेश मिला भैया नहीं खड़ी है? हमें तो कोई संदेश नहीं आया, हम लोग भी तमाम बार रामपुर गए हैं, मिलने का प्रयास किया है, हम लोग मिलकर आए हैं, और कौन कह रहा था कि कपड़ों से बू आती है, मिलना नहीं चाहते राष्ट्रीय अध्यक्ष? चलिए मैं मिलवा देता हूँ, जिसको अगर दिक्कत हो रही है हमारे साथ चले, हम मिलवा देते हैं, भरोसा दिलाते हैं प्राइम टीवी पर, आपको मिला कर लाएंगे, आपको सम्मान दिलाने का काम करेंगे। लेकिन हमने कहा था चंद सिक्कों के लिए कुछ लोग ओछी राजनीति कर रहे हैं, अपने चेहरे को मीडिया में कैसे बनाया जाए वो हरकत कर रहे हैं। शाही साहब कुछ कह रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, शाही साहब कुछ कह रहे हैं, ले लेते फिर आते आपको। हाँ शाही साहब क्या कह रहे हैं? शौकत भाई लग रहा है अपडेटेड नहीं है। आजम खान साहब के मीडिया प्रभारी ने एक सभा में ये बात कहा है, और मुझे नहीं कहना है, पूरे प्रदेश ने इसको देखा है, और अभी उनका नाम भी लिया नितिन भाई ने जी, फजाहत हुसैन शाही साहब, सारी फजीहत उन्हीं की है। मैंने कहा ना कि ऐसे लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, क्या आजम साहब के परिवार से उन्होंने बात की ये पूछने से पहले कि हम ये बयान देने जा रहे हैं? एक बार पूछ लेते कि आपको दर्द है या नहीं है। आजम साहब के परिवार ने उनको कुछ कहा नहीं, कहा ये चंद लोग खंडन आया लीजिए। अरे परिवारी से उनको हटाया क्यों नहीं गया? बड़े धैर्यवान वक्ता थे, पता नहीं क्यों आपका धैर्य टूटा हुआ आज। नहीं नहीं, मैं एक बड़ा धैर्यवान वक्ता है, पता नहीं आपका धैर्य आज क्यों टूटा हुआ है। मैंने कहा ये ऐसे लोग हैं जो अपनी ओछी राजनीति करने, अपने चेहरे को मीडिया में लाने के लिए इस तरह के बयान दे देते हैं। मैं भी कुछ बोलूं किसी के लिए, मैं भी लाइमलाइट में रहूंगा, तो ये इनको जानता ही कौन था, कौन पूछता था इनको, कौन आप इससे पहले जानते थे ये कौन है? कभी आपने इनका नाम सुना आज तक? नहीं सुना। इस तरह के बयान देकर ये लोग चर्चा के में आ जाते हैं, और उसके पीछे तमाम ताकतें काम करती हैं, तमाम लोग इसके लिए बयान दिलाने के लिए उनको चंद सिक्के भी मुहैया करा देते हैं कि ऐसे मुसलमान चेहरा भर के बयान दीजिए। आजम साहब का परिवार का उनके खिलाफ ना बोलना ये दर्शाता है कि वो उस योग्य नहीं है जो बयान उन्होंने दिया है, उस योग्य नहीं है जो उन्होंने कहा है। वो एक बहुत छोटे कार्यकर्ता है, वो अपना काम करते, उन्हें आजम साहब के दर्द के बारे में कुछ नहीं पता। अगर पता होता तो विधानसभा के सामने धरना दे रहे होते, इससे पहले वो बोल रहे होते, चुनाव से पहले वो बोल रहे होते, क्यों नहीं बोला? चुनाव खत्म हो गए तो आपको आजम साहब का दर्द नजर आया? इससे पहले कहां थे आप? कब से मीडिया प्रभारी थे आप? कभी बोले आप? आपने उनका दर्द जानने का प्रयास किया? नहीं जानने का प्रयास। कितनी बार जेल मिलने गए वो? पूछते आजम साहब के पास जाकर, उनके परिवार से कितनी बार मिलने गए? पूछा कभी आपने उनका दर्द? नहीं पूछा। ना वो मुकदमे में पैरोकार हैं, ना वो उनके चीजों में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, बस एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उस कार्यकर्ता के होने के नाते वो अपने चेहरे को चमकाने के लिए कुछ भी बयान दे बैठे हैं। ठीक है, अंकुर सक्सेना आरएलडी से। अंकुर भाई, शाही साहब कह रहे हैं कि जयंत चौधरी का भी कुछ मामला ठीक नहीं चल रहा है, उनको भी ले आने की बात बात शायद वो कुछ कर रहे थे अभी। अरे देखिए, शाही साहब ने जो बोला उसपे मुझे क्या कहते हैं, बड़ी हास्यास्पद स्थिति लग रही है, और मुझे याद आया कि शाही साहब का बयान, अभी भी शाही साहब को ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहे हैं 2022 वाले, जो अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, शाही साहब को लग रहा है कि अभी वो चुनाव चल रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा उस समय माननीय अमित शाह जी ने भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व से बात की थी, और हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय डॉक्टर जयंत सिंह जी ने इसलिए मना कर दिया था। पर अब हमने तो शाही साहब को हार्दिक बधाई भी दे दी थी 10 मार्च के बाद, जब विवेक में बैठे थे कि शाही साहब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनने के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चुनाव संपन्न हो चुका है, जब हम लोग ड्यूरिंग इलेक्शन आपके साथ नहीं आए थे तो अब चुनाव संपन्न हो चुका है, हम लोग विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। और आपको अभी मैंने इस डिबेट की शुरुआत में कहा था कि दो तरीके की लीडरशिप होती है, एक लीडरशिप वो होती है जो इलेक्शन हमेशा विपक्ष में रहकर भी सत्ता के जो
संघर्ष की सारथी होती है, तो हमारी जो केंद्रीय नेता है वो संघर्ष का सारथी है। और फिलहाल तो जहां तक हमारे संज्ञान में है राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से ऐसा कोई भी गठबंधन तो समलोक समाजवादी पार्टी के अलायंस ये हैं और बने रहेंगे निरंतर। और भारतीय जनता पार्टी ने एक बात अभी ये इस विषय पे कही, तो कहते हैं ना कि एक आपने मार्केट में फील्ड में बात उछाल दी और लोग उसके पीछे दौड़ पड़े, तो उस मामले में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। उसने एक मुद्दा बनाना कैसे और किसको किस समय बनाना, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की कोई सानी नहीं, इसके लिए मैं इनको दाद देता हूं। अंकुर भाई एक चीज ले लीजिए, मैं ये कह रहा था एक बात में जी मैं ये कह रहा मेरे था मेरे को एक बात अपनी कह रहा था जल्दी कि अभी राजनीतिक विश्लेषक महोदय जो अजय जी हैं उनने लगातार एक शब्द का प्रयोग किया और बाद में उन्होंने कहा भी कि मेरा कहने का वो आशय नहीं है कि विभीषक, आप किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए विभीषक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। रीजन क्या है, रीजन ये है अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई पॉलिटिकल लीडर किसी अन्य दल में जाता है तब वो विभीषण की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा। विभीषण जो घर का भेदी, घर का भेदी, विभीषण सबको नहीं बोला जाता है, घर का भेदी बोला जाता है, घर का भेदी होता है, घर का भेदी है, सुनिए घर का भेदी जो घर में रहता हो, घर के साथ खाता पीता हो, घर की बातें बाहर पहुंचाता हो, उसको विभीषण कहा जाता है, जबकि बहुत अच्छा करेक्टर है। विभीषण जो करेक्टर है बड़ा अच्छा करेक्टर है, विभीषण शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, विभीषण बहुत अच्छा करेक्टर था भैया मेरे, उनका अपना व्यक्तिगत कार्य है, उनका व्यक्तिगत कार्य है। आप विभीषण के बारे में पढ़ेंगे अंकुर भाई, अंकुर भाई देखिए विभीषण बहुत बड़ा करेक्टर है, नहीं विभीषण बहुत बड़ा करेक्टर है लेकिन राजनीति में विभीषण को उस नजर से नहीं देखा जाता, इसीलिए मैंने कहा था कि कहीं आप उस तरह नहीं ले लीजिएगा, मैंने इसीलिए वो शब्द जोड़ा था कि कहीं आप उसी तरह न लेने जो जिस आशय में बोल रहा हूँ वो लीजिएगा। ठीक है अंकुर भाई, मेरी एक चीज है, मैं एक चीज कह रहा था कि आप भी अलायंस के साथी हैं और लगातार ये जो चीजें बढ़ रही हैं शिवपाल यादव अखिलेश यादव को लेकर के, तो क्या कुछ पैचअप कराने की कोशिश आप लोगों की तरफ से नहीं होनी चाहिए आगे बढ़ करके? देखिए नितिन जी, अभी एक ही परिवार का मसला है, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी पीएसपीएल, अरे परिवार का मसला तो बाहर आ गया है भाई, सबको पता चल गया तो आ गया। देखिए परिवार का मसला अगर बाहर आ गया है तो हो सकता है आपके सामने जो वार्ता चल रही हो पर्दे के पीछे कुछ और बात चल रही हो सकता है 25 साल का रोड मैप भारतीय जनता पार्टी तैयार करती है, तो हो सकता है 25 साल का रोड मैप जो है समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने तैयार किया हो। तो जरूरी थोड़ा ही कि आपसे हाथ मिलाने वाला या आपसे गले मिलने वाला हर व्यक्ति आपका मित्र ही हो भाई, वो तो राजनीति है, राजनीति में जरूरी नहीं है कि हम आपसे हाथ मिला रहे हैं या हम आपसे गलबैया कर रहे हैं, तो उसका मतलब वही है कि हम आपके बहुत बड़े सपोर्टर हैं, इसका मतलब नहीं, आपका भूत, आपका भूत तो ये बोलता ही है, आपका जो पिछला इतिहास है वो तो ऐसा ही रहा है ना, सत्ता के साथ आप भी रहे ऐसा, सुनिए हो सकता है कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई हो जोड़ घटाने में, आप राजनीतिक विश्लेषक नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा के विश्लेषक हैं, चैनल पे बैठ के उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अरे भैया तो बहुत बड़ा चीज मिल गया होता अब तक तो हमें, अरे तो हमको मिल गया होता पद अपने नाम के आगे से हटा लीजिए भैया, तो ये बात दे रहा सुनील जी से कह दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं आप, सुनील जी से कह दीजिए आपको कुछ मिल जाए हो सकता है इनाम। सुनिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या प्रतिनिधि महोदय मेरे से कोई भी टिप्पणी करेंगे मैं उसको हंसते हंसते सहर्ष स्वीकार करूंगा क्योंकि वो उनका दायित्व है, लेकिन अगर एक राजनीतिक विचारक की हैसियत से बीच में इंटरप्ट करके बोला जा रहा है और टिप्पणी की जा रही है तो मुझे नहीं लगता कि तटस्थ राजनीतिक विचारक हो। अच्छा अच्छा ठीक है अंकुर जी, ठीक आप सही समझ रहे हैं मेरे को, लेकिन जब आप जो बातें कह रहे हैं उसके बीच में बोलना इसलिए मजबूरी हो जाती है क्योंकि जिसका इतिहास यही रहा हो दल बदल इधर उधर कूदना कादना, वो जब इस तरह की बात करेगा तो बोलना पड़ेगा, टिप्पणी करना मजबूरी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सहर्ष दे रहा हूँ। हाँ और कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे राजनीति करें, सुनिए अगर मुझे कोई दिक्कत नहीं आपकी राजनीति पे, चाहे जैसे करिए, अगर नहीं मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा, अगर कोई बड़ा राजनीतिक दल किसी छोटे राजनीतिक दल से हाथ मिलाता है और बाद में वो उसका साथ छोड़ देता है तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती, उसके लिए कभी कोई आरोप नहीं लगता है समर्थ सदैव बलवान होता है। ठीक है, और अगर कोई छोटा राजनीतिक दल जिसका मान लीजिए क्षेत्र कम है या किसी परिस्थिति वजह उसका स्वीकारता में कमी आई है लेकिन जनता का उसको भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है तो उसपे सारे आक्षेप लगाए। ठीक है अंकुर भाई, ठीक है बहुत अच्छी है, मतलब ताली आपकी एक हाथ से बज रही है, दो हाथ से आप ताली नहीं बजा रहे। ठीक है शाही साहब पहले बजवाइए, कुछ कहना चाह रहे थे आप जी। देखिए कहने के लिए और सुनने के लिए अब इन लोगों के पास ही जो है, क्योंकि
राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, प्रसपा, ये लोग एक आपस का के अंग हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति जो है उत्तर प्रदेश में कर्मयोगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कर रही है। हाँ, ये परिलक्षित जरूर होता है नितिन भाई कि जो ये चीजें चल रही हैं, इसमें मैंने पहले भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी की तरह समाजवादी पार्टी का अब जाना तय है, क्योंकि सब लोग इनसे छूट के जा रहे हैं। एम फैक्टर और वाई फैक्टर दो, लेकिन ये लोग मान कहां रहे, ये तो कह रहे हैं कि हम अलग नहीं हो रहे हैं। शौकत भाई कह रहे हैं हम अलग नहीं है। देखिए वो शौकत भाई, वही वाली बात है कि एक कोई शेर है कि साफ छुपते भी नहीं और नजर आते भी नहीं, तो ये ही चल रहा है इस समय। लेकिन एम और वाई जो फैक्टर था, देखिए मैं इस पर बहुत ही वो कर रहा हूं नितिन भाई। एम फैक्टर का 2009 में आजम खान जी का जो विरोध हुआ था कल्याण सिंह जी के मामले में एक बार, तो समाजवादी पार्टी ने उसका खामियाजा भुगता था, और आज फिर वही उसी जगह पे फिर खड़ी है समाजवादी पार्टी। एम फैक्टर फिर से इनसे बिछड़ने के करीब है। अब हटे पूरा या आंशिक जो भी हो वो मैं नहीं जाता। दूसरा, वाई फैक्टर कहां जुड़ा हुआ था, दो भाइयों की जोड़ी के साथ, माननीय मुलायम सिंह जी और माननीय शिवपाल जी के साथ। आज की जो नई हवा नई सपा है, अखिलेश जी के मद मोह और दम में है, अब वो कितने युवा हैं उनके साथ, कितने वाई हैं वो जाने। लेकिन वाई पहले परंपरागत वोटर थे जनसंघ के और भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, उसके बाद ये नेताजी के साथ और शिवपाल जी के साथ गए। शिवपाल जी अगर वहां से कहीं इधर उधर अपनी पार्टी बनाते हैं, जहां भी कहीं जाते हैं, तो वाई फैक्टर भी खिसकेगा। कुछ लेकर अगर जाते हैं तो समाजवादी पार्टी का विध्वंस निश्चित है, आने वाले दिन में वो दिख रहा है। इसमें कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन 75 तैयार है और हम लोग मिशन 75 की तैयारी कर रहे हैं। बाकी ये लोग अपना जाने, हमको मिशन 75 पे काम करना है। हम मिशन 75 पर लगे हैं 2024 के। ठीक है, ठीक है। अजय कुमार जी, अब आगे की क्या रणनीति होगी और आगे का क्या चेहरा होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति का, उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों का? विपक्षी दलों ने जो लाइन ले रखी है, अगर आप देखेंगे आज भी जो बयानवीर लोग हैं, चाहे जिस पार्टी के हों, भारतीय जनता पार्टी से अलग, वैसे तो मुझे भाई ने कही दिया अंकुर जी ने कि मैं आरएसएस का आदमी लग रहा हूँ, लेकिन आप ये देखेंगे तो बयान जो दिए गए हैं वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया था कि आजम खान साहब को छुड़ाने का कोई प्रयास कोई नहीं कर रहा है, वो पहला हमला उन्होंने अखिलेश यादव पे किया था, अब उसी को सब पकड़ करके बोल रहे हैं। आज शिवपाल जी भी वही बोल रहे हैं, अब प्रवक्ता के तौर पे बोल रहे हैं तो वो सही आदमी, वो आरएसएस के नहीं है। मैं अगर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हूँ तो मैं आरएसएस का आदमी हो गया। तो ऐसी भावना रख करके छोटे छोटे जो टारगेट ले ले रहे हैं लोग, इनका लक्ष्य बड़ा नहीं है, इनका लक्ष्य बहुत छोटा छोटा है। अंकुर भाई कुछ कह रहे हैं जी, जल्दी से बोलिए अंकुर भाई। ऐसा है भाई साहब कि आप अगर बोल रहे हो तो आपकी भाषा शैली से आपका व्यक्तित्व पता लगना चाहिए, आपको ठीक पता है, लगना आपने चाहिए, ऐसा अक्सर हो रहा है, आप लगातार डिबेटों में बैठ रहे हैं। आपने मेरा व्यक्तित्व, मेरा चरित्र तय कर दिया, ठीक है, मैं आपको अधिकार देता हूँ। आपका चरित्र, आपका, आप मेरा व्यक्तित्व, मेरा चरित्र जो भी तय करना है तय कर दीजिए। मैं किस विचारधारा का हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये आप तय कर लीजिए, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। नहीं, मुझे नहीं है, सत्य है जो टीवी पे सबके सामने आ रहा है, वही मैं कह रहा हूँ सत्य। अगर आपको, लेकिन अगर आप सत्य नहीं सुनना चाहते हैं, सत्य नहीं सुनना चाहते हैं तो ये आपकी परेशानी है। सत्य को सुनना, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आपका टारगेट लक्ष्य लंबा हो, अगर छोटा सा लक्ष्य होगा तब तो आप तुरंत बयानबाजी शुरू कर देंगे, लेकिन अगर कोई विजन, जैसे भारतीय जनता पार्टी का, मुझे आप आरएसएस फिर बोलिएगा, भारतीय जनता पार्टी का विजन बहुत दूर का है। अभी उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें कई 25 साल तक के आगे की गणना और जड़ना जोड़ी हुई है, ठीक है ना। आप लोग क्या कर रहे हैं, चुनाव से पहले एक कैलकुलेशन करते हैं कि कौन सी पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, उसके साथ चलो, करते हैं कि नहीं करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है भाई, मेरे दिखता है, यही मैं कह रहा हूँ। आप दिखना ना चाहते हैं ना सोचना चाहते हैं, आप एक आरोप लगाना जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आदमी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग गली गली घूम रहे हैं। आपको एक डर बन गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग
गली गली घूम करके आपके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं और आप वो काम कर नहीं रहे हैं। सुनना नहीं चाहते, मेरी बात तो आप भी सुनिए ना, मैंने आपकी बात सुनी अभी तक। आप सत्य को सुनना नहीं चाहते हैं, मैं सत्य को सुनना भी चाह रहा हूँ, सुनाना भी चाह रहा हूँ भैया। जनता के बीच में नहीं रहती, ये तो आप कैसे कह सकते हैं? आप जनता के बीच में हम रहते नहीं रहते हैं, आपका सर्टिफिकेट थोड़ी काम आएगा कि हम जनता के बीच में रहते नहीं रहते। जनता स्वयं उसका प्रमाण पत्र दे, वो तो दे ही रही है, हम कहाँ कह रहे हैं, वो तो दे ही रही है। आपको सत्ता से बाहर बिठा रखा है, वो तो प्रमाण पत्र आपके पास ही है। सत्ता से बाहर दिखाया तो हम संघर्ष कर रहे हैं ना। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, आप संघर्ष करिए, संघर्ष कर रहे हैं तो हम संघर्ष के सारथी हैं। अच्छा किसी अश्विनी भाई ने जो बात कही है कहीं ना कहीं, चौधरी साहब चौधरी चरण के अलावा किसी ने नहीं किया है, ये तो मानना ही पड़ेगा। और जयंत जी, हमारा खाता खुल के हम लोग विधायक बने हैं, उत्तर प्रदेश में चौथा बड़े दल के रूप में उभर के आए। जनता ने अगर इसने नहीं दिया, साथ नहीं दिया, तो हम लोग कैसे उत्तर प्रदेश में अकेले लड़े भैया, 11+1 कार्ड पे पहुंच रहे हैं। अकेले क्यों नहीं लड़े फिर? भारतीय जनता पार्टी तो ये चाह रही थी कि उत्तर प्रदेश अकेले क्यों नहीं लड़े अकेले 2017 में हुआ। अरे हम आपसे भारतीय जनता पार्टी क्यों 10 दलों को साथ में लेके लड़ी? आप भैया आप बता तो आप ही रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा है। आप भाजपा से पूछिए, आप भाजपा से नहीं पूछ रहे हैं ये प्रश्न, भाजपा ये सवाल ही नहीं उठा रही तो क्या करें? दलों को लेके लड़ी, सवाल भाजपा उठाई नहीं, सवाल तो आप उठा रहे हैं, सवाल तो आप ही उठा रहे हैं ना भाई। अकेले हम बहुमत में हैं, उसके बाद हमारे साथियों को हमने मंच पे स्थान दिया और खुद का महिमा मंडन आप ही कर रहे हैं, हम तो कर नहीं रहे। नहीं बिठाए, बुलाया नहीं आपने शिवपाल सिंह यादव को, विधायकों की बैठक में नहीं बुलाया आपने। प्रश्न पूछने का, आप अगर विपक्ष पे आरोप लगा रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हो, तो आप सत्ता से पूछो ना ये प्रश्न। से तो पूछा गया, तो बताया गया कि यही तो इन्हीं का एजेंडा है, 25 साल का रोड मैप तैयार करके आप लोगों पर हमलावर हैं, ठीक है ठीक है, ढूंढ रहे हैं कहाँ कहाँ आप लोग के घर में कौन कौन ऐसा है जो हमारी तरफ आकर के हमारा काम कर सकता है, वो तो पहले ही बोला मैंने, ठीक है बात आगे। फिर भी आप आरएसएस का लग रहा हूं भाई, लास्ट में मैं 10 सेकंड आपको दे रहा हूं कि अब आगे की क्या रणनीति है, आप लोगों की क्या है आगे का रोड मैप। स्थान देते हैं, मैं देखिए बहुत स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत निराशाजनक है, और अगर इन परिणामों के ऊपर लोग समीक्षा नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं अगर उसमें गलतफहमी में रहेंगे, तो आने वाले दिन भी बहुत ये सही बात इन्होंने कही है, एवरीथिंग इज क्लियर, ये सही बात कही है इन्होंने, इस पर मैं सहमत हूँ, यही बात सबको बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी समीक्षा नहीं होती है तो आने वाले दिनों में उन कठिनाइयों से, उन चुनौतियों से पार पाने में आप असफल हो जाते हैं। आंख मूंद करके किसी भी समस्या से निपटा नहीं जाता है। हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है, अभी कुछ दिनों के बाद हमारे पूरे संगठन बन जाएंगे और हम जमीन पर सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करेंगे, अपने नेता के नेतृत्व में कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ हम लोग चलेंगे। हर एक कार्यकर्ता प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का उनके साथ खड़ा है, जो जिस गलत फहमी में रहना चाहे रहना है। हमारे नेता के पास सामने बहुत बड़ी चुनौती है, समाजवाद बचाने की चुनौती है, कहीं ना कहीं लोहिया के, चौधरी चरण सिंह के, अम्बेडकर के विचारधारा को आगे बढ़ाने की चुनौती है। नितिन भाई ठीक है, स्वागत भाई, कोई जवाब? देखिए समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है, अभी तमाम संगठन हम लोग एक काम करना शुरू कर चुके हैं, 24 की तैयारी कर रहे हैं। रही बात चुनाव की, चुनाव हार जीत जीवन भर लगी रहेगी, कोई सत्ता में रहेगा, कोई सत्ता से बाहर रहेगा, लेकिन जनता की आवाज प्रमुखता से कौन उठाएगा ये उत्तर प्रदेश को। डीपी भाई कह रहे हैं कि आप लोगों ने हार पर समीक्षा ही नहीं की और कैसे लड़ाई लड़ेंगे? डीपी भाई को इसकी जानकारी नहीं होगी, मुझे लगता समीक्षा हुई या नहीं हुई। अरे आपको पूरी जानकारी है तो बताइए कहाँ समीक्षा हुई, आप बताइए ना। महाराज बगैर समीक्षा के हम लोग इतने बड़े स्टेप नहीं उठाते हैं। टारगेट कर रहे हैं, यही दिक्कत है समाजवादी पार्टी की आज की तारीख में। समाजवादी पार्टी अपने अंदर झांक के नहीं देख रही है कि उसके अंदर कमियां क्या है, कौन सी कमियों को दूर करना चाहिए, वो बस दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने में आ गया समाजवादी पार्टी। मुझे लगता है कि डीपी भाई गुस्सा हो गए, समीक्षा नहीं करेंगे तो यही हालात आगे भी रहेंगे। डीपी भाई बेवजह गुस्सा हो गए, गुस्सा होने की जरूरत नहीं डीपी भाई, जनता के बीच जाने की जरूरत। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं मित्र होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, अपने शिष्ट नेतृत्व को ये बात पहुँचाइए कि देखिए समीक्षा करिए और बिना लाज लपेट के, बिना किसी प्रकार के बायस हुए समीक्षा करिए और हर एक की जिम्मेदारी तय करिए। आखिर चुनाव में क्यों हार हुई? जनता चाहती थी कहीं ना कहीं परिवर्तन, अंत समय में क्या ऐसा माहौल बनाया लोगों ने, आपके तरफ से बयान, वीरों ने बयान दिया कि जनता का मूड बदल गया, इस चीज की समस्या हुई आपके यहाँ? ठीक है, शौकत भाई के पास जवाब नहीं है। ठीक है, डीपी भाई नाराज हो गए, बहुत पर्सनली हो गए।
डीपी भाई नाराज किया है आप लोगों ने भाई, वो अपने मन से थोड़े ना नाराज हुए हैं। हम लोगों ने नाराज नहीं किया, बेवजह उनकी बात का अच्छा जाता है। शाही साहब क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ समीक्षा हुई नहीं, यही अंतर अभी अजय जी कह रहे हैं कि यहाँ अभी इन लोगों की समीक्षा नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों के चुनाव में लग गई अपनी समीक्षा करते हुए। आज उसकी समीक्षा का रिजल्ट भी आ गया सबके सामने, मेरे ऊपर। चलिए चलिए ठीक है, ठीक है ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये भी एक चेहरा है कि लगातार जिस विपक्षी दल को हम सबसे मजबूत मान रहे थे उसमें कहीं ना कहीं एक आंतरिक कलह बना हुआ है और लगातार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक तो निकल के सामने नहीं आई हैं लेकिन समय पर ज़रूर टाल दी गई हैं। फिलहाल कोविड के जो केसेज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं साथियों, तो अपने आस पास सावधानी बरतिए, चेहरे पर मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए। कोविड से लड़ाई पहली लड़ाई और सबसे अहम लड़ाई है। आज के डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।